वेलकम टू समृद्धि हैशटैग 15। आज हम मैजिकल कार्ड बनाने जा रहे हैं जो कि ऐसा दिखता है। अब हमें इसमें दो कोई से भी कलर की शीट चाहिएगी। मैंने पिंक और ब्लू ले ली है, आप कोई से भी कलर की शीट्स ले सकते हैं। और ये OHP शीट चाहिए होगी जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और उसके लिए मार्कर, सीजर, रेड स्केच, और अगर आपके पास मार्कर ना हो तो फिर ये स्केच भी ले सकते हैं, और स्केल, ब्लेड एंड फेविकॉल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये 15x20 सेंटीमीटर की शीट लेनी है और हमने ले ली है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लेना है और ये यहाँ पे मार्क करना है ऐसे, और यहाँ से इस तरह यहाँ से भी लेना है। ये ले लिया। अब हमें एक लाइन खींचनी है। ये हमने लाइन खींच ली है 1 सेंटीमीटर की। अब हमें यहीं पे स्केल रख के यहाँ ये जो सीजर है उससे ये ऐसे करना है और फिर इसे फोल्ड कर देना है पीछे की तरफ, और अब इसे हाफ फोल्ड करना है। अब हमें यहाँ से 1 सेंटीमीटर का मार्क करना है, देन यहाँ से 1 सेंटीमीटर मार्क करना है, देन यहाँ से ऐसे मार्क करना है, और देन यहाँ से ये हो गया। अब हमें ऐसे करना है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर मार्क करना है। ये एक स्टेप, ये हमें यहाँ से 1 सेंटीमीटर मार्क कर लिया, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर मार्क करना है, देन यहाँ से ऐसे ही आपको चारों तरफ से, फिर हमें चारों तरफ से ऐसे ही मार्क कर लिया। अब ये जो है ये ऐसे इस लाइन को ऐसे खींचना है, ये देन दिस, यहां से ये मार्क करना है, यहां से ये लाइन खींचनी है और यहां से ये, अब हमें इसे कट करना है। अब हम इसे कट करेंगे पेपर कटर की मदद से, और हाँ ये जो कट करना है वो यहाँ से बीच बीच में करना है, ये पूरा यहाँ तक नहीं करना है क्योंकि हमें ये सिर्फ एक फ्रेम टाइप में बनाना है। इसे हमें ऐसे मार्क करना है और ये हो गया। अब इसे भी ऐसे ही करना है कट पेपर कटर से। देखिए अब यह हमारा ये कट हो गया। अब हमें ये चारों तरफ से रब कर देना है। अब हम इसे इरेज कर देंगे चारों तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है, वरना तो अनटाइडी लगेगा ये। अब हमने इसे रब कर लिया है, अब हम इसे फोल्ड करके अलग रख देंगे। हमने ये ब्लू शीट को ये साइड से चिपका लिया है, हमें यहाँ और यहाँ दोनों साइड से चिपकाना है। तो अब है नेक्स्ट स्टेप जो कि हम बनाएंगे इस ब्लू शीट से। तो हमें चाहिए 16x9.5 की शीट कट कर ली है। अब देखना है ये इसके अंदर फिट बैठ रही है या नहीं। तो ये इसके अंदर फिट बैठ रही है। अब आपको ब्लू लेनी है और आपको ये बिल्कुल कोने कोने पर इस यहाँ पे और यहाँ पे लगानी है, इस कोने पर नहीं लगानी है, नहीं तो अगर आप इस कोने पर लगा देंगे तो वो बेकार हो जाएगा पूरा। तो अब हम लगाते हैं।
लगा दी है। अब हम इसको चिपका देंगे। हमने यहाँ पे लाइन खींची थी, हम इस लाइन का पॉइंट रख के पेंट के ऊपर रख के इसी की तरह लाइन खींच देंगे। लाइन खींची, अब आपको ब्लेड से मतलब पेपर कटर से इसकी ये छोटे वाली लाइन कट करनी है, सिर्फ छोटे वाली लाइन। तो हमने ये कट कर लिया है, ये देखिए। तो अब ये जो लाइन है, इस लाइन को हमें फोल्ड करना है। और आपको मैं सिंपल में बता देती हूँ फोल्ड करने का। ये सीजर से इसके ऊपर ऐसे इसके बिल्कुल लाइन के ऊपर रख के ऐसे 2-3 टाइम्स इसके ऊपर ऐसे रब करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे। ये फोल्ड हो गया। अब हमें इसको ऐसे ही रख के कट कर लेते हैं। कट कर लिया है। अब हमें जितनी इसकी मेजरमेंट है उतनी मेजरमेंट ओएचपी शीट की भी लेनी है। तो हमने ये ओएचपी शीट इसके साइज की कट कर ली है। अब हम इसको चिपकाते हैं। अब हमें यहाँ पे इस पोर्शन में पहले हमें ग्लू लगाना है। लगा लिया हमने ग्लू और इसके नीचे पार्ट को इसके ऊपर चिपकाना है ऐसे। अब हमें ऊपर भी ग्लू लगाना है। अब ओएचपी शीट्स को इसके ऊपर ऐसे रख के इसको चिपकाना है। इसको रब कर लिया इस लाइन को। आपको यहाँ पे आई लव यू लिखना है और उसको ट्रेस। पर ट्रेसिंग कर ली है। अब हम मार्कर की मदद से इसको कलर करेंगे। हमने ये ट्रेसिंग पूरी कर ली है, आप जैसे देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए लास्ट स्टेप पे। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 कॉलम्स है, 1 और 2। तो हमें ये ब्लू वाला पार्ट ये नीचे वाले कॉलम में डालना है और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट ऊपर वाले में। ये पूरा अंदर तक चुकी है। मैंने ये आई का थोड़ा बड़ा बना दिया। आप इसको थोड़ा सा इधर को बनाइएगा, यू को इधर, ठीक है, थोड़ा सा इधर को बनाइएगा। और ये मेरा हो गया, ये देखिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बाय। ये बिल्कुल।